नमस्ते, सिंपली कुक पे आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी है जो बिल्कुल समय नहीं लगता है इसमें बनाने में, बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाती है। उसका नाम है भोला माचर चर्चरी। भोला माच एक फिश नेम है, बंगाली में इसे भोला माच कहा जाता है। तो उस फिश की चर्चरी मैं आपको आज बनाना दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है। मस्टर्ड ऑयल मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से जो रेसिपी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फ़िश को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है मस्टर्ड ऑयल में। फ़िश को मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक के साथ मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था उसी को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। उसी तेल में, जिस तेल में मैंने फ़िश को फ्राई किया है, उसी तेल में मैंने 1/2 टीस्पून कलौंजी ऐड किए हैं और 5 से 6 हरी मिर्च का मैंने यहाँ पर, हरी मिर्च को मैंने बीच से थोड़ा सा कट कर लिया है। कट करके अब मैं इसे ऑयल में देके थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी 30 सेकेंड्स के लिए। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमको हरी मिर्च को, बस थोड़ा सा ही हम इसको फ्राई करेंगे। करने के बाद यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने चॉप किया हुआ है करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। करके जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। करीबन यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। करने के बाद इसमें हम ऑनियन पेस्ट ऐड करेंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑनियन पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। हम इसे इसी तरीके से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इसी तरीके से थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें अब प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया है मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा खुदरापन रखा है प्याज में। इसे हम पेस्ट करके अच्छी तरीके से भून लेंगे, बाद में हम इसको मसाला ऐड करेंगे। पहले हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसाले में ये बन जाती है और बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून में यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद नहीं है शुगर तो आप ऐड मत कीजिएगा, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा शुगर जिससे कि ये जो रेसिपी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें ऐड करती हूँ। अगर आपको शुगर नहीं पसंद है तो आप ऐड मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी बहुत 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 अच्छे वीडियोज़ आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बिल्कुल रोड के साइड मेरा घर है जिसके वजह से इतना आवाज़ आता है। सॉरी गाइड, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इस आवाज़ को। यहाँ पर मैंने करीबन 1.5 कप पानी जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद जस्ट 5 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद में 5 मिनट बाद में इसमें फ़िश ऐड कर रही हूँ। लो फ्लेम में ही हमको थोड़ा सा रख देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद फ़िश को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद 4 मिनट के लिए मुझे ढक के लो फ्लेम में इसे पकाना है। सिर्फ 4 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, ढक के हम इसको लो फ्लेम में पकाएंगे। उसके बाद ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो अब हम इसको ढकेंगे सिर्फ 4 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हमने उस पानी को थोड़ा सा उबाल लिया था, उसके बाद हम फिश को इसमें ऐड कर रहे हैं। करके 4 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी रेसिपी। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। करने के बाद ये आप सर्व कर सकते हो। आज की मेरी रेसिपी बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।